माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। आज पूरी दुनिया मानती है कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकसित देशों में भी भारत ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं है। गाँव में भी सामान्य खरीद बिक्री डिजिटल तरीके से होगी, ये कुछ लोगों की कल्पना से भी परे था। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपया का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। दुनिया के दूसरे देश भी आज यूपीआई से ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही है। डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लेन देन भी सरल हुआ है। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में मदद मिली है। मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर कर चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं। इससे 3.5 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचे हैं। डिजी लॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है। इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। माननीय सदस्यगण, डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुई है। आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता था। पिछले 10 वर्षों के दौरान गाँव में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बने हुए हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हुई है। 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी जो आज 4,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 2 गुना बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं।